हेलो दोस्तों, शड़ी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 8415 पदों का जो फिजिकल स्टार्ट हुआ है 24 फरवरी 2022 से, तो पहले दिन तो फिजिकल कल ही आपको कंडक्ट करा लिया गया 24 फरवरी 2022 को। तो कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, कितने उसमें सिलेक्ट हो रहे हैं और किस किस में कौन कौन अभ्यर्थी छट रहे हैं, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे कट ऑफ कैसे प्रभावित होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि लड़कियों का कट ऑफ क्या रह सकता है और कितना आसान तरीका से वो फिजिकल निकाल सकती है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है कि सर, पिछली बार कितना लड़कियां सिलेक्ट हो रही थी और इस बार कितना लड़कियां सिलेक्ट हो रही है और किस में सबसे ज़्यादा लड़कियां आपको रिजेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लगभग 1200 बुलाया जाता है लड़की को एक दिन में। पिछली बार भी यही नियम था, अभी भी यही है। 1200 लड़की को बुलाया जाता है और 1600 लड़का को बुलाया जाता है एक दिन में। तो 1200 लड़की को बुलाया जा रहा है एक दिन में और उनको तीन स्पर्धाओं में भाग लेना होता है। पहले दौड़, उसके बाद ऊंची कूद और उसके बाद गोला फेंक। अब हम बारी बारी आपको बता रहे हैं कि कितने अभ्यर्थी आए थे, प्रेजेंट कितने हुए थे, और पिछला कंपेयर भी मैं आपको करके चलूंगा 11,880 पदों के लिए जो 2021 में आपको देखिएगा फिजिकल हुआ है, जनवरी और दिसंबर में हुआ है। दिसंबर माह 2020 में हुआ है और जनवरी 2021 में हुआ है। तो उसमें कितने अभ्यर्थी लड़की आती थी, तो पिछला अगर हम बात करें 11,880 पदों के लिए, तो उसमें 1200 लड़कियों को बुलाया गया था, तो उसमें 1000 से ऊपर लड़की पहले दिन आई थी। मैं डाटा आपको जानता हूँ, 1002 लड़की, एक्यूरेट 1002 लड़की आई थी। इस बार जब लड़कियों को उतना ही बुलाया गया 1200, इसमें कितना लड़की आई है तो वो अब्सेंट है। अब्सेंट लगभग 100 लड़कियाँ पहले से कम है, 900 जो है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ गिनकर, 909 1200 लड़कियों में 909 लड़की प्रेजेंट है। मतलब कि पिछली बार से अटेंडेंस भी कम है लड़कियों का। क्यों कम है? तो बहुत से लड़की 11,880 पदों में सेलेक्ट होकर चली गई है, और भी भर्ती आया था उस बीच में उनका सिलेक्शन हो चुका है और चली गई है, तो वो लड़कियाँ नहीं आने वाली है। ठीक, वो अपना फिजिकल इसमें देने के लिए नहीं आने वाली है। इसीलिए आप देखिएगा कि ऑलवेज लड़का में भी और लड़की में भी जो अटेंडेंस होगा वो गिरेगा, और ये प्रभावित कौन करेगा, कटअप को प्रभावित करेगा। ठीक, तो इस बार ये 909 लड़कियाँ आपको बुलाए गए, मतलब आई हैं फिजिकल देने के लिए। और उसमें आप देखिएगा तो 1200 में 909 लड़की को जो फिजिकल हुआ है, तो दौड़ हुआ है सबसे पहला, तो दौड़ में 263 लड़की छट गई है। तो 263 लड़की दौड़ में छटी है इस बार, मतलब कि पहले दिन। मैं आपको बता रहा हूँ 24 फरवरी 2022 का मैं घटना बता रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ जनवरी 2021 घटना से, जब पहले दिन लड़की का पिछली बार जब दौड़ था। ठीक, उसमें दौड़ में कितने हुए, तो 251 छठी थी लड़कियां। इस बार दौड़ में कितना, 263। देखिए एक्यूरेट लगभग 10 लड़कियों का खाली अंतर दिखाई दे रहा है आपको पिछली बार से और इस बार से। मतलब कि इस बार लड़कियों को छटने के 10 लड़की ज़्यादा छटी है पिछली बार से। क्यों ज़्यादा छटी है पहले दिन में? क्योंकि रनिंग करने के लिए समय कम दिया गया था लड़कियों के लिए। पिछली बार लॉकडाउन लगने के कारण लड़की भी काफ़ी अच्छा रनिंग अपना बना ली थी। तो कंपेयर करते रहिए, जो भी कंपेयर मैं आपको बता रहा हूँ बस आपके दिमाग में चलते रहेगा। पिछली बार मतलब कि जब जनवरी 2021 में आपका लड़कियों का दौड़ हो रहा था, उसमें लड़की जो छटी है 1200 में दौड़ में कितना छटी है, तो 251 छटी है। इस बार जब छटी है 1200 में 909 लड़कियाँ आई है इस बार। पिछली बार आपको 1200 में कितना लड़की आई थी, 1002 लड़की आई थी। और लड़कियों का छटने का आप अभी देखा जाए तो 263 है पिछली बार से। कितना ज़्यादा है, तो 12 लड़कियाँ पिछली बार से ज़्यादा छटी हैं। ठीक, अटेंडेंस कितना है, तो पिछली बार से अटेंडेंस भी आप देखिएगा कम है। पिछली बार जो अटेंडेंस था 1200 में 1002 लड़की आई थी, अभी जो अटेंडेंस है 1200 में 909 लड़की आई है। तो दोनों चीज़ आप देखिएगा, कंपेयर करते रहिएगा। अब देखिए इसके बाद जब होता है हाई जंप होता है, जो आपको दौड़ होता है उसके बाद हाई जंप होता है, गोला फेंक होता है। पिछली बार हम गोला फेंक हाई जंप पे बात करें तो कम लड़कियां छटी थी। क्यों लड़कियां कम छटी थी, तो 25 ही लड़कियां छटी थी, समय मिल गया था प्रैक्टिस करने के लिए। इस समय गोला फेंक और हाई जंप में कितना लड़कियां छटी है, 38 लड़कियां छट गई है। समझिए, मतलब पिछली बार से छटने का रेशियो ज़्यादा है, अटेंडेंस कम है लेकिन छटने का रेशियो ज़्यादा है। क्यों रेशियो? क्योंकि कम समय मिला है। इसका प्रभाव आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि कम समय मिलता है तो फिजिकल में ज़्यादा लोग छटते हैं। गोला फेंक में भी, हाई जंप में भी इस बार 38 लड़कियाँ छटी है, और इस बार जो 909 लड़कियाँ में, 38 लड़कियाँ को गोला में और हाई जंप में छाट दीजिए, फिर आपको 263 छाट दीजिए दौड़ में, ये दोनों मिलाकर आप छाटिए तो 608 लड़की बच रही है टोटल, जो 900 आपको 909 में से छाटिएगा। तो ठीक, तो 608 लड़की में से अब कहाँ छठी है इस बार, तो इस बार जो छठी है लड़की वो छठी है ऊंचाई और वजन में। पिछली बार से रिकॉर्ड तोड़ छठी है। क्यों छठी है? क्योंकि 48 kg वजन था पिछली बार, वजन कुछ नहीं था, नहीं था वजन पिछली बार आपको लड़कियों के लिए मिनिमम वजन। इस वाला भर्ती में आपको मिनिमम वजन जो है, मतलब कि कम से कम आपका 48 kg मिनिमम वजन होना चाहिए आपको। ठीक, कम से कम 48 kg जुटा है। हाइट पिछली बार भी वैसे ही मापा गया था, इस बार भी वैसे ही मापा जा रहा है, तो हाइट में तो कोई हम आपको कंपेयर नहीं करेंगे। इस बार जो छठी है 231 लड़कियां वजन और हाइट में छट गई है, जो कि पिछली बार से 231 ही आप ज़्यादा मानकर चलो,
पिछली बार से 231 ही ज्यादा मानकर चलो, तो 608 में से 231 लड़कियां तो छट गई, मान लीजिए किस में, वजन में, ऊंचाई में छट गई। सबसे ज्यादा लड़कियां किस में छटी, तो ऊंचाई तो नाम की है, वजन में छटी है, ठीक। फिर इसके बाद आप देखिएगा, तो इसमें से अगर 608 में से कितना घटाना होगा, 231 घटाइएगा, उसमें से एक और घटा लीजिएगा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कैटेगरी गलत मेंशन के कारण छट गई। तो ये छटने का आपको तरीका मैंने बताया, टोटल कितना लड़की आप सिलेक्ट हुई है, आप सुनकर आप दंग रह जाइएगा, ठीक। टोटल लड़कियां 376, अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ, 376। 376 में भी आप देखिएगा बहुत से लड़कियां का जो री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है उसमें दिया जाता है, तो उसमें भी बहुत से लड़कियां छट जाती है। कहने का मतलब अब जोड़िए, एक सीट पर 5 गुना रिजल्ट के लिए बुलाया जाता है, ठीक, 5 गुना रिजल्ट के लिए बुलाया जाता है, मतलब कि एक लड़कों को लेना है या लड़कियों को लेना है और 4 लोगों को हटा देना है। आपको रेशियो देखिए कि आपको बुलाया गया 1200 और लड़कियां सिलेक्ट कितना हो रही हैं, तो लड़कियां 376 हो रही है, मतलब कि 3 से 4 लड़कियां छाट दिया जा रहा है अभी ही। तो मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाइएगा कि अगर तीनों स्पर्धाओं में अच्छा अच्छा थोड़ा थोड़ा खाली आपको क्वालिफाई से थोड़ा ऊपर लाकर अगर करती हैं तो इनका मेरिट लिस्ट कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। तो मेरिट लिस्ट की लड़कियां बहुत ही करीब है। हाँ, ये जो मैंने बताया आपको 24 फरवरी 2022 का डाटा बताया है, आगे आने वाले समय में जैसे जैसे होगा ये डाटा जो छटने का प्रक्रिया है थोड़ा कम होगा, क्योंकि लड़कियां भी जान जाती है कि किसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वजन वाला तो आपको समझते हैं, जिसका ज़्यादा वजन है, कम है, फिजिकल अभी है, तो कुछ उस पर कार्रवाई नहीं होगा। ये प्रक्रिया कब तक आपको देखने को मिलेगा, तो 2 फरवरी तक, आप 2 मार्च तक, 2 से 3 मार्च तक ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा, फिर थोड़ा से ग्राफ ऊपर उठेगा, ठीक। मैं जैसे आपको बताता हूँ ऐसे मैं आपको बताते रहूँगा, अपडेट देते रहूँगा। तो टोटल फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसको, जो इसका जिस्ट है कि 1200 लड़कियों को बुलाया जाता है, पिछली बार से इस बार आपको देखा जाए तो कट ऑफ के लिए बहुत से लड़कियों को इधर उधर मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी झोला छाप के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वालिफाई हो जा रही हैं, तीनों स्पर्धाओं में आपका मेरिट लिस्ट बन गया, विदाउट टेंशन एकदम जाकर सो जाइए, बस अपना मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए, ठीक। तो क्या क्या आपको होता है, तो सबसे पहले 1200 लड़कियों को बुलाया जाएगा, अपना अपना शिफ्ट में दौड़ाया जाएगा, हर एक लड़की के बीच में 5 सेकंड का अंतर होता है दौड़ में, छोड़ा जाता है दौड़ में, जो आपको 909 लड़कियां स्पर्धाओं में भाग ली है, 909 मतलब कि दौड़ में भाग ली है, फर्स्ट जो होता है दौड़ में उसमें 909 भाग ली है, जिसमें से 263 छट गई, 263 यहाँ से हटा दो जो कि दौड़ निकाल नहीं पाई, ठीक। फिर हाई जंप और गोला फेंक होता है उसमें 38 लड़कियों को निकाल दो, ठीक। फिर उसके बाद ऊंचाई और वजन लिया जाता है फाइनल, उसमें आपको 231 लड़कियां छट गई और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी लोगों को भी मिला है मौका। तो 376 देखिए, 376 ओवरऑल आपका जो 909 लड़कियों में से 376 लोगों पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक। और आप समझ सकते हैं कि अब रेशियो क्या रह गया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सभी प्रक्रिया क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वजन जोड़ दिया गया है मिनिमम 48 kg और उसके चलते लड़कियां छट रही है, ठीक। CSBC कौन वैज्ञानिक कारण लगाए ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर कुछ ना कुछ तो उनके द्वारा नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था ग नंबर पॉइंट में कि मिनिमम 48 kg होना चाहिए, ठीक। तो ये मैं बताना था, काफ़ी लड़के पूछ रहे थे सर कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लड़का का तो जो फिजिकल होगा उस समय मैं आपको बताऊंगा, लड़कियों के चलते लड़कों को कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। लड़कियों का कट ऑफ मैं फिर बोल रहा हूँ, अपने जो आपको मिनिमम दिया है हाई जंप, गोला फेंक और ऊंचाई, मतलब कि रनिंग, रनिंग अगर मान लो आप 30 नंबर भी रनिंग में लाने की कोशिश करती हो ना, तब बेस्ट, एकदम बेस्ट माना जाएगा, ठीक। अगर हाई जंप आप 3-4 भी कर देती हो ना, तब बेस्ट है एकदम, ठीक। गोला फेंक 14 फिट भी आप फेंक देती हो ना, तब निश्चिंत रहिए, कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ घटते जाता है, ठीक। मैं जनरल का ये बताया, कैटेगरी वाइज घटते भी जाता है, कोशिश यही करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर लीजिए, क्योंकि वैसे बहुत सी लड़कियां नहीं मिली है जो कि 4 मिनट से कम समय में अपना दौड़ पूरा कर ले, एक्का दुक्का लड़कियां अभी दिखाई दे रही है, लेकिन यही पिछली अगर भर्ती आप देखते हैं तो हरदम हमेशा मैं आपको बताते रहता था कि इस बार देखो इतना लड़की जो है ये 4 मिनट से कम समय लेकर पूरा में पूरा नंबर ले ली है, ठीक। तो कम समय मिला है फिजिकल की तैयारी करने के लिए, उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, लड़कियों का कट ऑफ कम जाएगा तो लड़कों का भी कट ऑफ डाउन होना तय है, और लड़कों का कट ऑफ डाउन इसलिए भी होगा कि उनको भी कम समय मिला हुआ है और उनका भी अटेंडेंस कम होगा, पिछली बार से अटेंडेंस उनका भी कम होगा, कम लड़के आएंगे फिजिकल देने के लिए, पर अपना जोश बनाकर रखना है, मेहनत से अपना फिजिकल देना है, कोशिश करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने के लिए, और जो लड़कियां छट रही है किस चीज में छट रही है उनको उस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भर्ती बंद नहीं होने वाला है 3 साल तक, अपने में मजबूती लाना है और ये भर्ती के लिए अपने को शरीर को तैयार करना है, ठीक। तो यही बताना था, लड़के का कट ऑफ पर मैं बताऊंगा कि लड़कों को कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इतना मैं जरूर बता दे रहा हूं, जो 67 से जो आपको 2017 वाला भर्ती में 67% लड़कियां सेलेक्ट हुई थी, 2019 वाला भर्ती में सीधे 43% पर आ गई, हो सकता है कि इस बार लड़कियों के जो आपको रेशियो हो 38 से लेकर 40% के बीच में हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, हो सकता है कि
सीएसबीसी कुछ और दिमाग लगाकर बढ़ा सकता है। तो देखिए जो डाटा होता है डाटा में ज़्यादा अंतर नहीं किया जा सकता है, 1-2% का इधर उधर अंतर होता है। ठीक, तो यही बताना था। जो भी लड़की अपना फिजिकल की तैयारी कर रही है, मन से कीजिए, जोश से कीजिए और अच्छे से जाकर फिजिकल की तैयारी कर कर दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को तंग नहीं किया जा रहा है, अच्छे से फ्रेंडली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा कर निश्चिंत हो जाइए। अपना मेरिट के लिए इंतजार कीजिए, मेरिट आ जाएगा, फिर अपना जहाँ घूमना हो, जो भी करना हो, कुछ समय मिलता है उस समय में घूम लिया कीजिएगा। अभी भी जो समय मिला है उस समय में आप घूम लीजिए, जिनका भी फिजिकल निकल जाता है। फिर बाद में जब ड्यूटी आपको होगा, ज्वाइनिंग होगा, तो फिर बोलिएगा कोई बताने वाला नहीं था कि इतना हार्ड ड्यूटी है, चाहे जो भी है। ठीक, ड्यूटी तो हार्ड होता ही है, कोई भी ड्यूटी आप कीजिए। ठीक, तो यही बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और फाइनली लड़कियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि कंपटीशन बहुत ही कम हो चुका है और इस कंपटीशन में अगर बाजी नहीं मारती तो अगली बार तो उनका मतलब बहुत टक्कर की बात हो जाएगी कंपटीशन का। ठीक, तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।